क्या होगा अगर पृथ्वी सिर्फ 40 सेकंड के लिए अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे और 40 सेकंड बाद फिर से अपनी नॉर्मल स्पीड पर घूमने लगे। आइए जानते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है और इक्वेटर पर इसकी रफ्तार 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद करती है तो पृथ्वी के इक्वेटर पर मौजूद सभी चीज़ें 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व दिशा की ओर उड़ने लगेंगी और पृथ्वी का घूमना बंद होने के बाद भी इसका एटमॉस्फेयर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिर भी घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे किसी तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर धक्का महसूस करते हैं। पृथ्वी के घूमना बंद होने पर हम सभी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ रहे होंगे। अगर देखा जाए तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम स्पेस में चले जाएं। अभी पृथ्वी की शेप इसके घूमने की वजह से परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, लेकिन जैसे ही ये घूमना बंद करेगी तो पृथ्वी परफेक्ट स्फेरिकल शेप में आ जाएगी, जिसकी वजह से समुद्रों का पानी हर एक जगह पर बराबर मात्रा में बंटने लगेगा और नॉर्थ और साउथ पोल्स दोनों ही पानी में डूब जाएंगे। पृथ्वी के इक्वेटर पर भयंकर सुनामी आएगी, जिसकी वजह से सभी तटवर्तीय इलाके पानी में डूब जाएंगे। पृथ्वी पर आई इस आपदा से एयरप्लेन में यात्रा करने वाले लोग भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर के घूमने की वजह से उनको शक्तिशाली हवाओं का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ 40 सेकंड के लिए आई ये आपदा पृथ्वी पर मौजूद जीवन को तहस नहस कर देगी। जब पृथ्वी 40 सेकंड बाद फिर से अपनी नॉर्मल स्पीड से घूमना शुरू करेगी तो फिर से समुद्रों का पानी अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। जो इलाके पानी में डूबे थे वो फिर से सूख जाएंगे और नॉर्थ और साउथ पोल से पानी फिर से हट जाएगा। पृथ्वी पर चारों ओर मलबा बिखरा हुआ दिखेगा, सभी घर और पेड़ पौधे टूट चुके होंगे। अगर उस समय इस भयंकर आपदा से बाई चांस कोई बच भी गया तो वो पीने वाले पानी की तलाश में ही मर जाएगा, क्योंकि समुद्रों का पानी जमीन पर आ जाने की वजह से पीने वाला पानी दूषित हो चुका होगा। तो दोस्तों, अभी आपने 40 सेकंड लंबे दिन को अनुभव किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।